हेलो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक एंड कम टू लेसन नंबर 10। चैप्टर 10, वी नीड शेल्टर। ओके, नेम ऑफ द चैप्टर इज वी नीड शेल्टर। शेल्टर मीन्स आश्रय, नीड मीन्स जरूरत होना। हमें शेल्टर की, हमें आश्रय की जरूरत होती है ना। सबको घर चाहिए रहने के लिए। आपको पता है, आपका भी घर है, मेरा घर है, ठीक है। चिड़िया अपने घोंसले में रहती है, फिर चूहिया अपने बिल में रहती है, ठीक। सभी के अपने अपने घर होते हैं, सबको आश्रय चाहिए, है ना, रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। देखो, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस बर्ड्स आर मेकिंग। कौन बोल रहा है? रोहन, है ना। यस, इट इज ब्यूटीफुल। हाँ, ये बिल्कुल ब्यूटीफुल है, ठीक है। अब देखते हैं हम चैप्टर में क्या दिया है हमें। लाइक बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स वी ऑल्सो नीड अ हाउस टू लिव इन। बाकी पक्षियों के और जानवरों के तरह हम लोगों को भी घर की जरूरत होती है रहने के लिए। अ हाउस गिव्स अस शेल्टर। हमें एक घर हमें आश्रय देता है, रहने के लिए जगह देता है, हमें सर्दी धूप गर्मी सारी चीजों से बचाता है, बारिश से बचाता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, वो हमें हीट से बचाता है, कोल्ड रेन वाइल्ड एनिमल्स एंड स्टॉर्म। घर हमें, देखो, गर्मी से, ठंडी से, बारिश से, वाइल्ड एनिमल्स, अगर शेर या कुछ भी आ जाए, वाइल्ड एनिमल्स भी, तो भी हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं, और अगर तूफान भी आता है तो भी, है ना, तो वो हमें इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है एक घर। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स, जो चोर होते हैं उनसे भी, और स्ट्रे एनिमल्स से भी बचाता है। स्ट्रे एनिमल्स मीन्स जो आवारा घूमते हैं, जो जैसे बहुत सारे कुत्ते दिखते हैं हमें घूमते हुए, है ना, बहुत सारे बाहर और भी एनिमल्स है जो वाइल्ड नहीं होते लेकिन जो घूमते रहते, उनसे भी हम बच जाते हैं ना। अगर हम बाहर ही रहेंगे रोड पर तो रात में हमें डर लगेगा ना उन जानवरों से भी, तो उनसे भी वो हमें, घर हमारे, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को, अब घर हमें किस चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं बता सकते हैं आप लोग? बताइए। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स, स्टॉर्म्स एंड थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स, ठीक है। इन सारी चीजों से आप अपने अपने मम्मी पापा को जरूर बताएंगे कि घर हमें किन चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। देन अब क्या देखेंगे हम? टाइप्स ऑफ हाउसेस। हम सभी लोग घरों में रहते हैं अपने अपने, लेकिन हमारे सबके घर अलग अलग है, है ना, ठीक है। तो उनसे हम टाइप्स ऑफ हाउसेस देखेंगे अब। हाउस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। घर के टू टाइप्स होते हैं मेनली, एक तो कच्चा हाउस और एक पक्का हाउस। आपने देखे होंगे कुछ लोगों के घर मिट्टी के बने हुए होते हैं और कुछ लोगों के सीमेंट और ईंटों से बने हुए होते हैं, ठीक, तो उन्हें पक्का हाउस कहते हैं। अब देखो देखो यहाँ हमें पिक्चर भी दिया है कच्चा हाउस का, ठीक है, दिख रहा है आपको, उसकी छत भी कैसी है और ये जो बंधा हुआ है, बना हुआ है, वो भी बिल्कुल कच्चा सा हमें नजर आ रहा है। अ कच्चा हाउस इज मेड ऑफ थिंग्स लाइक वुड, स्ट्रॉ, बाम्बू, मड एंड ड्राई लीव्स। एक कच्चा हाउस जो होता है वो किन चीजों से बनता है? लकड़ी, स्ट्रॉ मीन्स स्ट्रॉ, बाम्बू, वो जो घास की जो स्ट्रॉज होती है उनसे, या मिट्टी या ड्राई लीव्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। कच्चा हाउस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। जनरली विलेजेस में, गाँव में कच्चा हाउस पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी देखे होंगे कच्चा हाउस, जनरली जिनके घर खेत होंगे उनके घर पे एक एक तो कच्चा हाउस का मॉडल बना हुआ ही होगा, एक एक कमरा तो जरूर बना हुआ होगा, तो आप सब लोग जानते होंगे कि कच्चा हाउस कैसे हैं, बनते हैं। पक्का हाउस, पक्का हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज। पक्का हाउस जनरली कहाँ पर मिलते हैं? सिटीज या टाउन्स में मिलते हैं, ठीक है। दे आर मेड ऑफ थिंग्स लाइक सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, कंक्रीट एंड वुड। अब पक्का हाउस किससे बनते हैं? सीमेंट से, ब्रिक्स से, ईटों से, लोहा, आयरन, कंक्रीट एंड वुड, और लकड़ियां, इन सब से मिला, इन्हीं से ये पक्का हाउसेस बनते हैं, ठीक। सेना लिव्स इन अ पक्का हाउस। सेना एक पक्का हाउस में रहती है। इट इज अ बैंगलो, वो एक बैंगलो है। अ बैंगलो यूजुअली हैज अ लार्ज गार्डन इन फ्रंट। बैंगलो के सामने जनरली एक बहुत बड़ा गार्डन होता है। आप लोगों को पता है फ्लैट्स होते हैं, बैंगलोज होते हैं, है ना। फ्लैट्स जहाँ होते हैं उसको क्या कहते हैं? ये देखो दिए हैं हमें, अपार्टमेंट बिल्डिंग, जहाँ बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं उसे अपार्टमेंट्स कहते हैं। ये देखो अपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक।
देन एक जहाँ सिंगल घर होता है, बंगला बैंगलो जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके सामने जनरली गार्डन होता है, ठीक। देन नीचे देखो, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा सिंगल स्टोरीड हाउस। ये सिंगल स्टोरीड हाउस है, इसमें एक ही स्टोरी बनी हुई है, ठीक है, एक ही मंजिल बिल्डिंग है। और मल्टी स्टोरीड हाउस मीन्स जिसमें दो या दो से अधिक मंजिल बनी हुई होती है, उसे मल्टी स्टोरीड हाउस कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पक्का हाउसेस के ये टाइप्स है, ये यहाँ दिए हुए हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 43, टाइप्स ऑफ रूप्स। अब रूप्स के, छत के भी टाइप्स होते हैं। जैसे हॉट प्लेसेस हैव हाउसेस विद फ्लैट रूप्स, जहाँ हॉट प्लेसेस है, जैसे इंडिया में जनरली हॉट ही प्लेसेस ज्यादातर जगह पे पाए जाते हैं, तो यहाँ वहां पर जो घर के रूफ होते हैं वो फ्लैट रूफ होते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहे होंगे ये फ्लैट रूफ है, और यहाँ के जो स्लोपिंग रूफ्स है। अब ये कहाँ होते हैं, देखो, प्लेसेस विथ हेवी रेन्स एंड स्नोफॉल हैव हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ्स। अब जहां पर ज्यादा हेवी रेन होता है या स्नोफॉल होता है, वहां स्लोपिंग हाउस रूफ्स होते हैं, ताकि जो बर्फ या बारिश है वो आसानी से यहाँ से नीचे गिर जाए, फिसल जाए। दिस हेल्प स्नो एंड रेन वाटर टू स्लाइड डाउन द रूफ्स। ये जो स्लोपिंग रूफ्स है, ये हेल्प करते हैं रेन वाटर या स्नोफॉल को नीचे आने में, ठीक है। अब देखो, आपके घर की छत कैसे है बताइए सभी लोग, कि फ्लैट है या स्लोपिंग रूफ्स है, देखकर बताना सभी लोग मुझे। हाँ, अ हाउस दैट इज नीट एंड क्लीन इज अ गुड हाउस। जो घर स्वच्छ साफ सुथरा होता है उसे गुड हाउस कहते हैं। शायद हम सभी लोगों के घर गुड हाउस है, आप भी नीट क्लीन रखते हो ना आपके हाउस। हाँ, इट मस्ट हैव द फॉलोइंग थिंग्स इन इट। उसमें नीचे की सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे मेनी डोर्स एंड विंडोज टू लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर। घरों में दरवाजे और खिड़कियां बहुत सारी होनी चाहिए, ताकि फ्रेश एयर और सनलाइट अंदर आ सके, और फ्रेश एयर भी। लॉट्स ऑफ प्लांट्स हमारे घर के आसपास होने चाहिए। देन डस्टबिन टू थ्रो वेस्ट, वहां पे एक डस्टबिन भी होना चाहिए हर घर में, ताकि कचरा हम उसी में डालें, ना कि हमने आस पड़ोस में, ठीक। तो ये एक गुड हाउस के फीचर्स यहाँ हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो ग्रैंडमा क्या पूछ रही है। ग्रैंडमा आस्क, द हाउस इन विच वी लिव विथ आर फैमिली इज आर होम। व्हाट डज लिविंग टुगेदर टीच अस। एक साथ रहना हमें क्या क्या सिखाता है। यहाँ ऑप्शंस दिए हुए, टू लव ईच अदर, टू बी रूट टू ईच अदर, टू फाइट विद ईच अदर, टू हेल्प ईच अदर। इसमें से कौन सी चीजें बताता है हमें, एक साथ हम रहते हैं तो उससे हम क्या सीखते हैं, एक दूसरे से प्यार करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ रूड बिहेवियर करना सीखते हैं, नहीं, फाइट करना सीखते हैं, नो नॉट एट ऑल, टू हेल्प ईच अदर, यस हम सीखते हैं। तो हम यहाँ टिक लगाएंगे, ओके। This way we have finished this chapter, okay beta? Now you have to read it once and try to understand it. इसे एक बार read करने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। Pictures भी दिए हुए हैं और आप लोगों के आसपास में घर भी है, तो आप अगर कहीं अभी घूमने जाते हो तो ध्यान से देखना चाहिए कि आपको कहाँ sloping roofs दिखते हैं, कहाँ flat roofs दिखते हैं, या कहाँ आपको bungalow दिख रहा है, कहाँ gardens है, कहाँ plants है। बिल्कुल ध्यान से कभी भी अगर मोटरसाइकिल से या कार से, या आप कहीं भी घूमने भी जाते हो, ट्रेन से जाते हो या बस से, तो भी आपने ये सारी चीजें आप ध्यान से देखना चाहिए कि यहाँ के घर कैसे हैं, है ना। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस हम देख सकते हैं। ओके बेटा, आपको ये वीडियो पसंद आया। ओके, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, सी यू।